ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के संगठन और प्रदेश के 52 जिलों में ब्राह्मण समाज के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने जैसी मांगों को लेकर सर्व ब्राह्मण युवा समिति प्रदेशव्यापी विप्रजन यात्रा 52 दिन की यात्रा सभी जिलों में निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य सनातन धर्म सहित राष्ट्र और समाज का उत्थान होगा। इसको लेकर कल रविवार से सागर, जबलपुर, रीवा संभाग सहित अन्य संभागों में बैठकें भी आयोजित की जाएगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। श्री परशुराम भगवान जी की कृपा से पंडित सुद्दीम मुद्गिल संस्था के मुख्य संरक्षक के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण अवस्थी जी के द्वारा समस्त संभागों में मीटिंग का दौर की शुरुआत करके मध्य प्रदेश के समस्त संगठनों को एक पटल पर लाकर सरकार से ब्राह्मण कल्याण आयोग गठन की मांग और भी कई विभिन्न मांगों को लेकर और प्रदेश के समस्त जिलों में ब्राह्मण युवाओं के शिक्षा के लिए व्यवस्थाओं को लेकर कई मांग पत्र सरकार को बाद में अवस्थी जी के द्वारा सौंपा जाएगा। समस्त प्रदेश के ब्राह्मणों को एकजुट कर सरकार के समक्ष अपने समाज हित की मांग को प्राथमिकता दी गई है कि आज इस गुफा मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी के समक्ष हम सभी लोग सर्व ब्राह्मण युवा समिति के पदाधिकारी एकत्रित हैं और पिछले 7-8 जनवरी को चिंतन शिविर में जिस अभियान पर काम करने के लिए सुनिश्चित हुआ था उसको आज गति देने के लिए कल से सागर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग की बैठकें हैं। इन बैठकों में निकलने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व भगवान से आशीर्वाद, परशुराम जी से आशीर्वाद लेते हुए सभी पदाधिकारी आज हमें यहाँ एकत्रित हैं और एक समाज के लिए वृहद सोच के साथ में मध्य प्रदेश में चल रहे सभी ब्राह्मण संगठन एक साथ आकर के समाज उत्थान के लिए काम करें, इस विशेष कामना से हम लोग मध्य प्रदेश भर में निकल रहे हैं। ये हमारी शासन से दो मांगे हैं, एक तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और वर्तमान में मोदी जी की भी मुहिम चल रही है, शिवराज जी की भी मुहिम चल रही है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो हम भी अपने बच्चों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, और उसके लिए हम हर जिले में 10-10 एकड़ जमीन की उनसे मांग करते हैं जिससे कि हम अपने शिक्षा संस्थान बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर तैयार कर सकें। ये विप्र जन जागरण यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में 52 दिन की यात्रा निकलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52 जिले को देखते हुए 52 दिन की यह यात्रा रहेगी। यह यात्रा जो है सनातन धर्म उत्थान के लिए है, राष्ट्र उत्थान के लिए है, समाज उत्थान के लिए है, सनातन धर्म उत्थान के लिए है, इन सभी विषयों को इस यात्रा में जोड़ा गया है। इसमें सामाजिक उत्थान के साथ साथ में हमको हमारे सनातन धर्म का, राष्ट्र का भी प्रचार प्रसार करना है और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे, वो बात की बात है, वर्तमान में हमारे केवल दो ही मुद्दे हैं और ये एक बहुत अच्छा संदेश हम समाज के माध्यम से देना चाहते हैं। इस यात्रा के ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो 52 दिन चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।